हेलो एवरीवन, आई सेल्फ मिसेज बिंदा, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इंग्लिश का फोर्थ चैप्टर विजिट टू अ सर्कस पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको रीड करके सुनाऊंगी और फिर स्टोरी को समझाऊंगी। देयर वॉज समर हॉलीडे इन द स्कूल। मिस्टर गुप्ता, फादर ऑफ मेहक and Mehul, promised to their children to visit a circus, so he fulfilled his promise. They went there by bus. They bought 4 tickets. After that, they walked towards the circus. The circus was in a large tent. They took their seats in the first row and sat down soon. Other visitors also came. Mehak was sitting in between her parents. The show started. First of all, they saw some smart girls swinging and dancing on ropes. Mehak and Mehul were very amused to see their performance. बच्चों, विजिट टू अ सर्कस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सर्कस देखने जाना, यानी कि मेहुल और महक के जो पेरेंट्स हैं वे अपने बच्चों को लेकर सर्कस दिखाने जाते हैं। कब जाते हैं? तो स्कूल में जब समर हॉलीडे है, यानी कि गर्मी की छुट्टी है, तो उस वक्त महक और मेहुल के पापा मिस्टर गुप्ता जो हैं अपने बच्चों को लेकर सर्कस जाते हैं। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये मिस्टर गुप्ता हैं और ये दोनों उनके चिल्ड्रेन हैं, यानी बच्चे हैं। इन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है कि जब गर्मी की छुट्टी लगेगी तो ये अपने बच्चों को लेकर सर्कस जाएंगे, और वे अपने प्रॉमिस को पूरा कर रहे थे। अब मिस्टर गुप्ता जो हैं अपने बच्चों को लेकर सर्कस दिखाने जाते हैं। क्या से जाते हैं? बस के द्वारा जाते हैं, यानी बस से वे सर्कस देखने जाते हैं। और जब सर्कस देखने के लिए जाते हैं तो वे 4 टिकट्स लेते हैं, 4 टिकट्स लेते हैं और फिर सर्कस की ओर बढ़ते हैं। सर्कस जो था एक बड़े टेंट में हो रहा था, जैसा कि यहाँ टेंट दिखाया गया है। मिस्टर गुप्ता और उनके जो बच्चे थे वे सर्कस के अंदर गए, यानी कि जहाँ पे सर्कस हो रहा था टेंट के अंदर गए, और वे अपने सीट पर, सबसे आगे के सीट पर वे बैठ गए और फिर वहाँ से वे सर्कस देखना शुरू किए। सबसे पहले देखते हैं कि गर्ल्स आती हैं और रोप पर स्विंग करने लगती हैं और डांस करती हैं, और इस चीज़ को देखकर महक और मेहुल जो हैं बहुत अम्यूज्ड होते हैं उनके इस परफॉर्मेंस को देखकर। बच्चों, अम्यूज्ड का मतलब होता है कि उनका जो परफॉर्मेंस था, रस्सी के ऊपर स्विंग करना और डांस करना, यह देखकर उनको बड़ा टेंशन हुआ, चिंता हुआ कि ये कैसे उतने पतले रोप पे डांस कर रहे हैं और झूल रहे हैं। आफ्टर सम टाइम 3 एलिफेंट्स केम इन द सर्कल। एन एलिफेंट हैड ए फुटबॉल इन हिज ट्रंक। पीपल वर amused to see the elephants playing football. The elephants dance also on their
hind legs. The clown's tricks made the visitors laugh. The clown was a dwarf. He was wearing a funny cap on his head. He did many acts. The visitors laughed and clapped. बच्चों, कुछ समय बाद थ्री एलिफेंट्स आते हैं सर्कल में, और ये जो हैं अपने ट्रंक से यानी सूंड से फुटबॉल खेलते हैं, और इस चीज़ को देखकर बच्चे काफ़ी उत्साहित होते हैं और देखकर अम्यूज्ड करते हैं, आश्चर्यचकित करते हैं कि एलिफेंट भी कहीं फुटबॉल खेलता है करके ऐसा वे सोचते हैं। और एलिफेंट जो है अपने दोनों पैर पे खड़े हो जाते हैं और डांस भी करते हैं, जिसको कि देखकर सभी खुश होते हैं। और क्लाउन्स वहाँ पे रहते हैं, जो छोटे छोटे रहते हैं वे भी फनी कैप्स पहने हुए हैं और फन कर रहे हैं। क्लाउन जो है बहुत से ऐसे फन कर रहे हैं जिससे कि विजिटर्स उनको देखकर काफ़ी हंस रहे हैं और क्लैपिंग कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। दे वर अफ्रेड टू सी द बिग लायंस रोयरिंग। देयर पेरेंट्स टोल्ड देम दैट द लायंस वर टैम्ड एंड would do not harm to people. The lions were in big cages. After interval, an acrobat came in the circle. He had caps and saucers in his hands. He stood on a ladder and threw cups and saucer in the air. A cup, then a saucer, and they were landing on his head one by one. बच्चों, सर्कस में जितने भी विजिटर्स थे और उनमें जो खासकर बच्चे थे वे काफ़ी भयभीत होने लगे। क्यों भयभीत होने लगे? क्योंकि वहाँ पे लायन का गरजने का आवाज़ आया, और जो बच्चे डर रहे थे उनके पेरेंट्स उनको समझा रहे थे कि बच्चों, लायन जो है हम लोग को कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि लायन जो है पालतू लायन है, वो पाला हुआ लायन है, और वो भी लायन जो है केज में बंद है यानी कि पिंजड़े में है, इसीलिए लायन जो है किसी को हार्म नहीं पहुंचाएगा। इसके बाद क्या होता है कि इंटरवल हुआ रहता है, उसके बाद फिर देखते हैं कि एक्रोबैट्स हैं सर्कल में आते हैं, और इनके हैंड्स में आप देख रहे हो कप है, इसको कप बोलते हैं, और ये साउसर है और दोनों हैंड में है, और ये जो एक्रोबैट्स हैं ये लैडर पर स्टूड हैं, खड़े हैं, और वन बाय वन करके कप फिर साउसर को हवा में उछाल रहे हैं। और उसके बाद क्या हो रहा है, कप और साउसर जो है वैसे ही आकर एडजस्ट हो जा रहा है जैसे कि पहले से इनके हैंड में है। तो यह देखकर लोग काफ़ी खुश हो रहे हैं और आश्चर्य भी कर रहे हैं कि कितना अच्छा फन एक्रोबैट्स द्वारा किया जा रहा है, और लोग इनका प्रेज भी कर रहे हैं, प्रशंसा भी कर रहे हैं कि एक्रोबैट्स का जो परफॉर्मेंस है वह बहुत अच्छा है, कि कप को एयर में उछाल रहा है, साउसर को उछाल रहा है, और फिर वो जो है एक के ऊपर एक आकर लैंडिंग हो जा रहा है। द विजिटर्स प्रेज्ड हिज एक्रोबैटिक परफॉर्मेंस। देयर वर अदर एनिमल्स also इन द सर्कस लाइक जेब्रास, टाइगर्स, monkeys एंड
camels. Mehul had not seen these animals before. The zebras were walking and camels were eating leaves. When the show was over, they returned home. On their way to home, they talked much about the circus. Mr. Gupta promised them a visit to the zoo next time. सभी जो विजिटर्स थे वो एक्रोबैट्स के प्रशंसा कर रहे थे और कह रहे थे कि एक्रोबैट्स बहुत अच्छा किया है. सर्कस में और भी अदर एनिमल्स थे, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है जेब्रा, मंकी, कैमल, टाइगर्स वगैरह सर्कस में थे, जो जिसको कि मेहुल जो था वह पहले इन एनिमल्स को नहीं देखा था. अब जब सर्कस ओवर हो जाता है तो सभी अपने अपने घर जाने लगते हैं और रास्ते में सर्कस के बारे में ही बातें करते हैं और सर्कस के बारे में वे प्रशंसा करते हैं. और फिर मिस्टर गुप्ता जो हैं वे अपने बच्चों से प्रॉमिस करते हैं कि नेक्स्ट टाइम उनको जू घुमाने के लिए ले जाएंगे. बच्चों, जिस तरह से मेहुल और महक को यह सर्कस देखने में बहुत मज़ा आया, उम्मीद है आप लोगों को यह सर्कस बहुत अच्छा लगा होगा. और आप लोग भी अगर कभी समय मिले तो आप लोग भी सर्कस घूमने जा सकते हो और मज़े ले सकते हो. और साथ साथ में बच्चों आप अपने लेसन का भी तैयारी उतना ही मज़े से किया करो जिससे कि आप एक अच्छे इंसान बन सको.